नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप देख रहे हैं टेक्निकल सासी जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो पानी रिलेटेड रहेगा। तो आज हम चापाकल का पानी, नदी का पानी, आहरा का पानी, सारा जगह से पानी उठाएंगे, वही वीडियो बनाएंगे और उसी के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पहला पानी टेस्टिंग करेंगे, वो चापाकल का पानी टेस्टिंग करेंगे। तो ये चापाकल है जिससे पानी निकलेगा, और ये वाला पानी का टेस्टिंग करेंगे हम लोग। तो देखिए दोस्तों, पानी हम लोग भर लिए हैं इसमें, और ये चापाकल का TDS नाप के हम देखेंगे कि इस पानी का TDS कितना आ रहा है, यानी कितना खा ये पानी पीने लायक है या नहीं है, वो हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग पहला जो पानी था चापाकल का लेंगे, दूसरा पानी हम लोग आरओ का पानी जो यूज देंगे, और इसका TDS आपको बताएंगे कि ये कितना क्यूरीफाई पानी करके देता है। पहला एक डेमो प्रोसेस ये दे देते हैं कि ये इसमें पानी फिल्टर कैसे होता है। तो फिल्टर होने का ये है कि पहला पानी ये नल है, इनपुट है, पानी यहाँ से इनपुट हुआ यहाँ पे, आउटपुट यहाँ से निकल कर ये पहला सेडिमेंट फिल्टर, इसको बोल सकते हैं हाउजिंग बोल सकते हैं, ये हो गया आपका। और यहाँ से प्रोसेस पानी होकर के इन होता है यहाँ, और इसके अंदर काफ़ी सारा फिल्टर लगा हुआ रहता है। अगर पहला फिल्टर की बात करें तो इसमें सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर, मेम्ब्रेन, UV UVF, ये सारा इसमें प्रोसेस है। अल्काइन होते हुए मेम्ब्रेन के द्वारा पूरा फिल्टर पानी करके, और ये पानी यहाँ से निकलता है। देखिए तो आरओ का पानी हम यहाँ से रिसीव कर ले रहे हैं। अब इस पानी को हम जांच करके बताएंगे कि ये कितना पानी पीने के लिए क्यूरीफाई है या नहीं है। और ये इधर दिखाइए, ये आपको बिजली से चलता है, ये बिजली का लाइन है, यहाँ से इसमें करंट डालने पे ये चलता है। तो देखिए दोस्तों, हम ये अभी चापाकल का पानी ले लिए हैं, आरओ का पानी लिए हैं, नदी का पानी लिए हैं, और अभी हम लोग जो तालाब का पानी ले रहे हैं, तो दिखाइए तालाब की तरफ। अभी हम तालाब का पानी ले रहे हैं और इसको टेस्टिंग करके बताएंगे इसमें क्या है, पानी गंदगी है या क्या। अब देखिए दोस्तों, ये आप इसको नहर बोल सकते हैं, तालाब बोल सकते हैं, कुछ भी बोल। और इसका पानी हम लोग टेस्टिंग करके बताएंगे कि इसका कितना TDS होता है। चलिए तो देखिए दोस्तों, हम लोग घर से निकले हैं अब, और गांव से होते हुए ये गेहूं का खेती है, और ये जो आप देख ले रहे हैं पीछे हमारे गांव दिख रहा है आपको, और ऐसे हम लोग नदी जा रहे हैं नदी का पानी उठाने के लिए। दोस्तों ये हमारा गेहूं का खेती है, आप देख रहे होंगे कितने बढ़िया अभी फसल है, आप इधर दिखाइए इधर के दोस्तों, हमारा गेहूं का फसल, और ऐसे होते हुए जंगल टाइप का दिख रहा, ऐसे होते हुए हम लोग नदी की ओर जा रहे हैं और नदी का पानी उठाएंगे, उसका आपको हम दिखाएंगे कि नदी हमारा कैसा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नदी की तरफ चलते हैं, और ये सब देख रहे हैं, ये सब क्या चीज़ का पेड़ है वो कमेंट करके आप बताइए हमको कि ये आप जिसको दिख रहा है जंगल दिख रहा है या क्या दिख रहा है, कमेंट करके बताइए। गेहूं के खेती से होते हुए और नदी जाने के बीच में हमारा एक ग्राउंड मिलता है, जो कि यहाँ पे बच्चा लोग क्रिकेट फुटबॉल खेलता है, अभी फिलहाल खेल के चले गए हैं। ये दो ग्राउंड आप देख रहे हैं, इतना बहुत बड़ा ग्राउंड, बहुत कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताइए, कितना बढ़िया ग्राउंड है। और जबकि हम आपको बता दें, बहुत बढ़िया ग्राउंड है, ये क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं, और ये बालू थोड़ा थोड़ा और थोड़ा मिट्टी यहाँ पे है, बहुत बढ़िया वाला है, क्योंकि लड़का लोग अगर गिर भी जाता तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नदी की ओर। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ग्राउंड होते हुए नदी की ओर जाते हैं, और ये हमारा बीच में जो देख रहे होंगे आप, ये परास बागान इसको बोलते हैं, यानी जंगल टाइप का थोड़ा घना है। आप इसको देख रहे हैं कितना बढ़िया खूबसूरत फूल है, आप बताइए किस चीज का पेड़ है, आप कमेंट करके बताइएगा हमको। ओ माय गॉड भाई, नदी तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन नदी में भाई पूरा सूखा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, मतलब भाई एक थोड़ा भी पानी नहीं है। खैर, नदी का ये नज़ारा देख लीजिए दोस्तों, हम लोग कहीं दूसरा जगह नदी का जा करके पानी उठाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से हम आपको पहले चापाकल का पानी उठाकर दिखाए, उसके बाद कुआं का, उसके बाद आहरा या पोखर तालाब बोल सकते हैं, उसके बाद नदी का पानी उठाने के लिए आए, फिलहाल हम ये नदी आए हुए हैं, और आप इधर देख रहे होंगे ये पूरा नदी आपको दिख रहा होगा बड़ा सा, प्लस में ये जो आप देख रहे हैं ओवर ब्रिज बना हुआ है, ये नदी के ऊपर बना हुआ है, लाके नदी का पानी लेने के लिए आए, लेकिन यहाँ का भी नदी का सूखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो ये
क्या बोलते हैं इसको, जो खादा हुआ है इसी से हम पानी लेंगे। तो चलिए हम लोग नदी का पानी उठाते हैं। देखिए दोस्तों, नदी का पानी यही है और यही पानी को अभी फिलहाल हम उठा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, नदी का पानी हम उठा लिए हैं। बाकी इसका टेस्टिंग करके हम आपको बताएंगे टीडीएस मीटर के साथ। आप सोच रहे होंगे कि हम हर एक जगह का पानी क्यों उठा रहे हैं, तो पानी हम इसलिए उठा रहे हैं कि हर एक जगह का पानी उठाकर और टीडीएस इस तरह, अगर आपको बुखार लगा हुआ तो एक थर्मामीटर के द्वारा आपका टेम्परेचर नाप लिया जाता है। ठीक उसी तरह से पानी भी को नापने के लिए भी मशीन आता है, जिस मशीन का नाम टीडीएस है। टीडीएस का पूरा फुल फॉर्म बताएंगे अगला वीडियो में। उसी तरह से टीडीएस से ही आपको सारा इसे कंट्रोल कर पूरा नदी का पानी का रेशियो निकल जाता है कि पानी कितना ख़राब है, कितना अच्छा है, पीने के योग्य है या नहीं है। उसके बाद एक बात बताते थे दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं अभी स्ट्रक्चर बन रहा है, तो अभी फ़िलहाल जो हम लोग का यहाँ पानी यहाँ से सप्लाई होगा, तो ठीक जिस तरह से ये पानी को हम एक टीडीएस मीटर में आपको कंट्रोल करके बताएंगे, उसी तरह से ये नदी का पानी रिफ्यूज़ करके सप्लाई करेगा और यहाँ से काफ़ी हमारे इधर से पूरा इधर जितना भी इलाका है वहाँ पर पानी सारा जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग कुआं से पानी लेने के लिए पहुंच गए हैं और इस कुआं से पानी डाल रहा है। कुआं दिखाइए कितना गाढ़ा पानी कुआं में है। ये देखिए कुआं बहुत ही बढ़िया और नामी कुआं है और बहुत दिनों से हमारे बाबा परदादा इसमें मछली भी पकता है। हाँ, रहा होता है, मोती भी होता है इसमें। मेरा पार्टनर यहाँ पानी खींच रहा है। पीने के लायक पानी है कि नहीं है और इस पानी में कितना कमी है, कितना कार्बन है।